सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ माल्टा स्टडी वीज़ा का टोटल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। अब देखो, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़े बहुत चेंजेस बताए थे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, और इस चेंजेस के बाद पूरी डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप कभी स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हो या आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप लोगों को ये पता होगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है और इस पूरे स्टेप में मेरा खर्चा कितना आएगा, ताकि आप एक कैलकुलेशन भी बना सको कि हाँ इतना टाइम भी लग जाएगा और इतना खर्चा भी मेरा वहाँ पर हो जाएगा। तो ये पूरी डिटेल वीडियो है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो आप लोगों को पूरा आइडिया आएगा कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है अभी तक और कितना अभी टाइम और लगने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे रियल में अगर आपको चाहते हो कि हाँ एडमिशन लेना तो आप कंसल्टेंसी से बात कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा कि अगर मान लो आप EI इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लेते हो एक साल के कोर्स के लिए। ठीक है, मतलब जो हॉस्पिटैलिटी हो गया या फिर बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, कोई भी एक साल का कोर्स हुआ उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो कितना आपका खर्चा आएगा, कितना आपको टाइम लगेगा और क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो सब इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि मोस्टली अब मैं सिर्फ माल्टा पे फोकस ना करके बाकी कंट्रियों पर भी फोकस करने वाला हूँ। आगे के प्लान मैं आप लोगों को जल्दी ही अपडेट करता हूँ कैसे कैसे क्या क्या प्लान होंगे। तो इस वीडियो को पूरा मतलब डिटेल से देखना, ताकि आप लोगों को पूरा स्टेप समझ आ जाए और आप लोगों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप लोगों को किसी का मैसेज करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी एजेंट से पूछने पड़ेगी कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे एक साल के कोर्स में एडमिशन के लिए। EI इंस्टीट्यूट को हम लोग मैसेज डालते हैं, उनको ईमेल करते हैं या किसी कंसल्टेंसी को हम बोलते हैं कि हमें EI इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए और इस कोर्स में चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स ले लेते हो जो कि एक साल का है। आपने कोर्स के लिए आप डाली अपनी फाइल, तो आपने एजेंट को बोला है कि हाँ मेरी फाइल डाल दो। ठीक है, तो सबसे पहला जो खर्चा एजेंट आप लोगों को बताएगा, वो बताएगा आपको 220 यूरो का। अब ये 220 यूरो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। आप किसी भी कॉलेज में प्रोसेस अगर डालते हो तो यहाँ की जो ऑफ़र लेटर फ़ीस होती है, जिसे हम ऑफ़र लेटर बोलते हैं कि हाँ हमारा एडमिशन वहाँ पर हो गया है, या फिर एप्लीकेशन फ़ीस जो कॉलेज को जाती है वो या आपकी 220 यूरो है। हर कॉलेज की अलग है, किसी भी कॉलेज की सेम नहीं होती। सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे EI इंस्टीट्यूट की बता रहा हूँ। ठीक है, बाद जो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, आपका ऑफ़र लेटर आपके पास आ गया है। अब कॉलेज क्या करेगा, आपकी फ़ाइल को CVU में डालेगा। अब CVU में डालने के बाद CVU एक अप्रूवल देती है, या फिर आप अपॉइंटमेंट भी बोल सकते हो, जो VFS की अपॉइंटमेंट होगी। वो आप लोगों को मैं आगे आने वाले स्टेप में बताऊँगा कि VFS में क्या होता है। तो कॉलेज आपको एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए CVU में आपकी फ़ाइल को प्रोसेस करेगा। ठीक है, CVU मोस्टली 15 से 20 दिन आराम से ले लेगा, कि हाँ इतना टाइम तो वो लेते हैं। वो प्रोसेस करने के बाद CVU आपको एक अपॉइंटमेंट देगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट आपको किसी भी तारीख की दे सकता है वो। जैसे कि अगर मान लो आपने आज अप्लाई किया है, 20 दिन बाद आपकी अपॉइंटमेंट आ रही है, और वो आगे 20 दिन का टाइम और दे सकता है अपॉइंटमेंट के लिए कि इस तारीख को आपको VFS में जाना है। ठीक है, इसी बीच में आप लोगों को कॉलेज की फ़ीस पे करनी होगी, जो कि होगी 330 यूरो। ठीक है, ये 330 यूरो कॉलेज की प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो कॉलेज डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराता है आपको, एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह प्रोवाइड कराता है, या फिर आप एक तरीके से लगा लो कि एक कॉलेज को बिना बात के जाते हैं, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि इस प्रोसेस की जरूरत नहीं थी वहाँ पे 330 यूरो डालने की। वो ले रहे हैं, सही ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, बट वो कॉलेज का है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। उनको चाहिए तो वो भाई देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपका 500 यूरो का खर्चा हो चुका है वहाँ पे, 500 कॉलेज को दे दिए हैं अभी तक। ठीक है, इसमें कॉलेज आपकी अपॉइंटमेंट लेके दे रहा है आपको, और आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे रहा है, आपको ऑफर लेटर दे रहा है। ठीक है, आपका एक्सेप्टेंस लेटर वहाँ से आ गया, आपकी अपॉइंटमेंट वहाँ से मतलब CVU से आ गई है। CVU से अपॉइंटमेंट आने के बाद जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आपको जाना होगा दिल्ली VFS में। दिल्ली मतलब वो जहाँ की भी आपको अपॉइंटमेंट दे, जरूरी नहीं है कि दिल्ली ही हो वो, तो आपको VFS जाना होगा। VFS होती है वो आपके चेकलिस्ट देती है आपको कि ये डॉक्यूमेंट हमें आपकी मतलब चाहिए, और ये आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने। VFS आपके डॉक्यूमेंट भेजेगा CVU को। अब CVU देखो, टाइम इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है कि वो कितना टाइम ले रहे हैं, बट एक मोटा सा मतलब हिसाब से लगाएं तो 45 डेज का टाइम होता है CVU का आपकी फ़ाइल लेने, आपका इंटरव्यू लेने और आपका वीज़ा प्रोवाइड कराने के लिए। इन तीनों में 45 डेज उन्होंने बोला है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी फ़ाइल यहाँ CVU में आएगी, आपको एक मेल आएगी जिसमें बोला जाएगा कि इस तारीख को आपका इंटरव्यू है,
वो आपका वीडियो कॉल पे होगा, वो आप फ़ोन पे दे सकते हो या आप लैपटॉप पे दे सकते हो, बट मेक श्योर कि आप किसी क्वाइट प्लेस पे हो, क्योंकि जो CVU का जो इंटरव्यू होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके वीज़ा का रोल उसी के ऊपर डिपेंड करता है सारा, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो सबके सेम ही है, सिर्फ एक जो अलग चीज़ है वो है आपका सिर्फ इंटरव्यू, कि आप इंटरव्यू कैसे देते हो। ठीक है, जैसे ही आप लोग इंटरव्यू अपना कंप्लीट करते हैं, उसके बाद CVU 15 से 20 दिन लेता है। 15 से 20 दिन मतलब मोस्टली ले ही लेता है, मतलब पासपोर्ट वगैरह वापस भेजने में, स्टैंप वगैरह आपकी लग जाती है, तब आपका वीज़ा आता है। और इसमें आपका जो टोटल कॉस्ट मैं अगर आपको बताऊं तो 500 आप लोगों ने पहले दे दिए थे कॉलेज को, उसके बाद आप कॉलेज की या तो हाफ़ फीस पे करोगे या फुल फीस पे करोगे। अब जो 7500 इसकी एक साल के कोर्स की फ़ीस है, उसमें से आप हाफ़ लगा सकते हो कि हाफ़ कितनी फ़ीस बनती है। ठीक है, ये खर्चा हो गया आपका। उसके बाद एक मतलब एक और खर्चा आता है आपका, आपके डॉक्यूमेंटों का। आपके डॉक्यूमेंट में आपको इंश्योरेंस भी चाहिए, टिकट भी चाहिए, और एक दो डॉक्यूमेंट जो आप खुद भी बनाते हो उनमें भी खर्चा होता है, तो वो खर्चा मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में बताऊंगा, कि एक एक रुपये का हिसाब बताऊंगा कि कैसे कैसे कितना रुपये कहाँ लगता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट में खर्चा हो गया आपका, वो हो जाता है आपका 10 से 12 हज़ार रुपये का आराम से खर्चा हो जाता है उसमें भी। ठीक है, और उसके बाद आप VFS जाते हो, VFS की फ़ीस है जो वो मतलब जो लूटने वाला काम वो उन्होंने चला रखा है अभी भी। VFS प्रीमियम सर्विस में आपको अपॉइंटमेंट देता है, आपको वहाँ पर 13,000 पे करने होते हैं। ठीक है, अब ये इतना सारा प्रोसेस था। और हाँ, एक छोटी सी और चीज़ थी, जो आपकी CVU में फाइल जाती है तो वहाँ से एक लिंक आता है, उसमें 150 यूरो आप लोगों को पे करने होते हैं, वो आपकी अपॉइंटमेंट के लिए होते हैं। जैसे वर्क परमिट में आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो ना CVU से पैसे देकर, तो वैसे ही सेम स्टूडेंट वीज़ा का भी है। आप जो आपकी मतलब कॉलेज है वो आपको एक लिंक भेजेगा कि आपको इस लिंक पे 150 यूरो पे करने हैं, वो कॉलेज के ऊपर भी है, क्या पता वो खुद भी पे कर दे, या वो आपको बोल सकते हैं कि आप पे करो, तो 150 यूरो वहाँ भी लगते हैं आपके। अगर आप स्टडी वीज़ा लगवाना चाहते हो माल्टा का, तो कम से कम भी अपना 8-9 लाख का बजट तो आप लेके चलो, क्योंकि उसमें बहुत सारी आपके एक्सपेंस भी आएंगे, आपको यहाँ आने का खर्चा भी आएगा, आपको शॉपिंग वगैरह भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये सारा था प्रोसेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को मतलब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या स्टेप्स आगे आने वाले हैं। तो आप लोग जहाँ तक भी आपकी फ़ाइल पहुँची है तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ तक मेरी फ़ाइल पहुँच चुकी है, और यहाँ तक अब मतलब मेरा मतलब जो टाइम का प्रोसेस है या पैसे का है, वो सब आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि हाँ इतना लगेगा मेरा भी। ठीक है, बाकी जॉब वगैरह का मैं आप लोगों को बता दूंगा, माल्टा की जॉब वगैरह का क्या सीन है, कैसे है, वो आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को पता चलता रहेगा। जॉब का भी, वेजिस का भी, बाकी कंट्रियों के बारे में भी हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं, जैसे जर्मन हो गया या क्रोशिया हो गया, बाकी कंट्री भी देखते हैं, अभी स्टार्ट करेंगे। अब दोबारा से वापस आए हैं तो थोड़ा सा धमाका तो करना बनता है भाई। ठीक है, तो ये टोटल प्रोसेस है भाई आप लोगों का, जहाँ जिन लोगों को भी स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप लोग इस वीडियो को देखकर अपना प्रोसेस जान सकते हो कि हाँ इतना मेरा प्रोसेस हो गया है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।